जयेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से सीधे तौर पर। जयेश, गुजरात विधानसभा चुनाव का रण जारी है, पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण का 5 तारीख को होना है। ऐसे में तमाम रैलियां हो रही हैं, तमाम दिग्गज अपनी रैलियां कर रहे हैं, पीएम मोदी की भी रैली हो रही है, अन्य पार्टियों की भी हो रही है। क्या लगता है, क्या समीकरण बन रहे हैं, गुजरात की जनता के दिल में क्या है इस बार? मैं आपको बता दूं तो प्रथम चरण का जो मतदान हुआ, प्रथम चरण में बात की जाए तो लगभग 63% मतदान हुआ है, यानी जो मतदाता है उसमें कहीं ना कहीं निराशा दिखाई दे रही है, इसे कम मतदान दिया जाता है। अगली बात देखी जाए तो पार्टी द्वारा अनामत आंदोलन था, कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन था, तो अभी इतना मतदान हुआ था, तो इस बार जो मतदान हुआ इसमें लोगों को निराशा सामने आई दिख रही है। बात की जाए तो प्रथम चरण का मतदान सौराष्ट्र और सूरत के कच्छ के एरिया में आया हुआ है, तो बात की जाए तो सौराष्ट्र वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, सूरत और बीजेपी का गढ़ माना जाता है, पर इस बार आम आदमी पार्टी भी आई है गुजरात में, यानी कहीं ना कहीं देखे तो सूरत और सौराष्ट्र में से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नुकसान कर सकती है। बात की जाए तो दूसरे चरण की मतदान की, 5 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। मतदान की बात की जाए तो इस बार शहरी विस्तार में बीजेपी की पकड़ ज्यादातर बनी है, जो मुस्लिम वोटर्स जहाँ पे है वो कांग्रेस की सीट, अभी जहाँ कांग्रेस के एमएलए अहमदाबाद में वह एएमआईएम पर आम आदमी पार्टी आने से कहीं ना कहीं वो सीट भी कांग्रेस के हाथ से जाके बीजेपी के हाथ में आ सकते हैं, इस तरह से माहौल बना है। बात की जाए तो जो शहरी विस्तार है उधर आम आदमी पार्टी की ज्यादातर सक्रियता नहीं दिख रही है, पर बात की जाए तो केजरीवाल और भगवंत मान के रोड शो से कहीं ना कहीं जो कम वोटों से जीते हुए जो नेता थे कांग्रेस और या भाजपा नेता थे उनका कहीं गणित बिगड़ सकता है। और आवाज की जाए तो कल शाम तक जो प्रचार प्रसार है दोनों तीनों पार्टियां कर सकती है, उसके बाद से प्रचार प्रसार भी बंद हो जाएगा, यानी 8 तारीख को जब पेटियां खुलेगी किसको गुजरात का कार्ड पहना चाहिए जनता वो आने वाला समय दिखाएगा। तो ऐसे में ये मुकाबला पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जाता था, लेकिन इस बार लगता है त्रिकोणीय हो चुका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है और अच्छा उसने माहौल कहीं ना कहीं बना रखा है, लेकिन आम आदमी पार्टी कितना कमाल दिखा पाएगी, बीजेपी के वर्चस्व को तोड़ पाएगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर ऐसे में आम आदमी पार्टी के वादों की बात की जाए, उनके जो मैनिफेस्टो रहा है, जिस तरह से वे दिल्ली में वे सरकार चला रहे हैं, पंजाब में सरकार चला रहे हैं, तो लोगों को क्या लग रहा है, क्या हम तीसरे मोर्चे के रूप में आम आदमी पार्टी को गुजरात में देख सकते हैं? मैं आपको बता दूं कि जो प्रथम नंबर की पार्टी है वो गुजरात में बीजेपी रहेगी, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस की सीटें कम हो सकती है, बीजेपी की भी थोड़ी सीटें कम हो सकती है, यानी दूसरे नंबर की पार्टी के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में एक स्पर्धा होने की पूरी पूरी संभावना दिख रही है। यहाँ कि सौराष्ट्र में अभी तक माना जाता है सौराष्ट्र कच्छ और सूरत में आम आदमी पार्टी द्वारा अच्छा प्रदर्शन होगा, तो पहले फेज में चुनाव हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा सा प्रदर्शन होगा ऐसा माना जा रहा है। अभी दूसरे फेज के मतदान में आम आदमी पार्टी के जो वादे किए तो फ्री शिक्षा है, फ्री स्वास्थ्य की सुविधा है, अच्छे स्कूल बनाना है, फ्री में जो लोगों फ्री में जो बेरोजगार भत्ता है वो देने की बात है, लोगों को अच्छे से शिक्षा देने की बात है, नौकरियां देने की बात है, कहीं ना कहीं जो ग्रामीण विस्तारों में जो किसानों के अच्छे भाव और जो जिनको जो बिजली थी उसकी ये गारंटी कहीं ना कहीं किसानों के अच्छी तरह से किसानों ने देखी है और इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। और बात की जाए शहरी विस्तार में भी नौकरियों की बात की गई है उसमें भी जो आम आदमी को फायदा हो सकता है, यानी पहले दूसरे जो दूसरे नंबर की पार्टी कौन बनेगी वो बहुत बड़ा सवाल है, यानी 8 तारीख को ही पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में कितनी सफलता मिली थी। जयेश, ऐसे में इस बार राहुल गांधी कहीं ना कहीं प्रचार से दूर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है? हालांकि नए अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार यहां आते रहे हैं, उन्होंने कई रैलियां की, लेकिन राहुल गांधी की कमी क्या कांग्रेस को खटक रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी युवाओं के चहेते नेता है, कांग्रेस के युवा लीडरों के चहेते नेता है, युवा कार्यकर्ताओं के नेता है,
यानी कहीं ना कहीं याद आया राहुल गांधी से न आने से कई सीटों पे कांग्रेस को नुकसान होने की पूरी पूरी संभावना इधर दिख रही है। बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे वो आए, उनसे भी ज्यादा कोई सभा नहीं होगा, तो एक बड़ा नाम था राहुल गांधी गुजरात, मल्लिकार्जुन खड़गे को गुजरात में अभी पूरी तरह से जो लोग है वो लोग में जान जो जानते नहीं है, और राहुल गांधी गुजरात के सामान्य जनता के लोग भी पहचानते, यानी कहीं ना कहीं इसका पूरा पूरा नुकसान गुजरात कांग्रेस को आएगा। कई सीट ऐसी है जहाँ प्रचार के नहीं आने से गुजरात कांग्रेस को ये सीट का नुकसान भी होने की पूरी पूरी संभावना है। बात की जाए शहरी विस्तार में, शहरी विस्तार के जो यंग जनरेशन है उसमें राहुल गांधी चाहते हैं, वहाँ पे भी जो राहुल गांधी की रैलियां हो जाती या जनसभा हो जाती तो कांग्रेस को जो डैमेज कंट्रोल होता है वो डैमेज कंट्रोल भी कर सकती, पर कहीं ना कहीं देखे तो राहुल गांधी के चुनावी प्रचार में न आने से कांग्रेस के ऐसे बड़े नेता भी नहीं है, जिस तरह से कल भी नरेंद्र मोदी ने 38 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था, बाद में आज भी रोड शो है, जाहिर सभा अमित शाह है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, नरेंद्र मोदी खुद क्या एक दिन में 4 से 5 सभा कर रहे हैं, ऐसे झंझावती प्रचार कर रहे हैं, वो प्रचार की कमी कांग्रेस में कहीं ना कहीं दिख रही है और उसका पूरा नुकसान कांग्रेस को लगेगा। जी जयेश, ऐसे में जो अभी हादसा हुआ था मोरबी में, क्या उससे बीजेपी के जीत पर या बीजेपी पर कोई असर पड़ेगा इसका? जी मैं आपको बता दूं, जो ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम सीटें हैं, जहाँ कांग्रेस की अभी तक जो परंपरागत सीटें मानी जाती है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहां पे आम आदमी पार्टी और AMI भी आ गई है, और जो बीजेपी जहाँ 2 सीटों पे से उनके आकलन के द्वारा जहाँ सीटों पे नुकसान हो जाए होने वाला है बीजेपी को, ऐसी सीटों पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद जाकर प्रचार कर रहे हैं, खुद जनसभा संबंध रहे, खुद रोड शो कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं देखे जाए तो इस रोड शो और ये जनसभा से जो डैमेज कंट्रोल है, डैमेज कंट्रोल से सीट को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये जैसे 4-5 सभाएं या रैलियां कर ली, ऐसे कोई भी कांग्रेस के नेता की पूरी तरह से ऐसी कोई रैलियां या ऐसी कोई सभाएं नहीं हो रही है, वो जो बड़े नेता हो जो गुजरात में सब लोग उनको जानते हैं, ऐसे कोई नेता की इतनी बड़ी मात्रा में रोड शो या रैलियां नहीं हुई, इसका पूरे पूरा फायदा है वो बीजेपी को मिल सकता है। बीजेपी इस बार 130+ का आंकड़ा है तरीके के लिए, सब रेकॉर्ड ब्रेक करने का वादा नरेंद्र मोदी ने भी किया, यानी कहीं ना कहीं रेकॉर्ड ब्रेक करने के लिए नरेंद्र मोदी अमित शाह सहित सभी केंद्रीय नेताओं ने प्रचार में अपना दम लगा दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जयेश आपका तमाम जानकारी के लिए।